दोस्तों सभी दिग्गज बैंकों के क्वार्टर थ्री के नतीजे अब आ चुके हैं और क्वार्टर थ्री के नतीजों के बाद अब कौन सा बैंक अच्छा है, किस बैंक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है और ईयर ऑन ईयर किस तरीके का इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों आज अपनी सभी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, हर एक चीज़ों का कंपेरिजन करेंगे, सारे बड़े बैंकों के किस तरीके के नतीजे आए, उनके क्या एनपीए, क्या मार्जिन और किस तरीके की सारी चीज़ें रही, वो सारी बातें हम अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट लाइव। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम अपने वीडियो की और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि किस बैंक ने किस तरीके का नेट प्रॉफिट यहाँ पे पेश किया है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो दोस्तों इस बार दिसंबर 29 में जो इनका नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 7,416 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5,586 करोड़ रुपए, जो कि यहाँ अगर परफॉर्मेंस की बात करें और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो रही है बहुत ही अच्छी, तो यहाँ पे मैंने उसको लिखा है गुड। उसके बाद अगर बात करो आईसीआईसीआई बैंक की, तो यहाँ पे दिसंबर 2019 में 4,146 करोड़ का इसका प्रॉफिट सामने आया, वहीं पिछले साल के क्वार्टर में था इसका प्रॉफिट 1,605 करोड़, तो लगभग 2.5 गुना प्रॉफिट होते हुए नजर आया यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का। इसकी परफॉर्मेंस भी मैंने यहाँ लिखी है गुड। कोटक बैंक की अगर मैं बात करूं तो इस क्वार्टर में यहाँ पे इसका प्रॉफिट आया 1,596 करोड़ रुपए, और वहीं बात करें पिछले साल 2018 के क्वार्टर में तो 1,290 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट था, यहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस मैंने दी है गुड में। एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो पिछले इस साल के जो क्वार्टर में दिसंबर 2019 में प्रॉफिट आया हुआ है 1,757 करोड़, जो कि पिछले साल के क्वार्टर पे था 1,681 करोड़, तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को मैंने एवरेज रखा है। वहीं अगर बात करो एसबीआई की, तो एसबीआई का इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया हुआ है 5,583 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में था 3,955 करोड़ रुपए के आसपास, तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पे नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो 1,300 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया, जो कि पिछले साल थी दिसंबर में 985 करोड़, तो लगभग 30% की प्रॉफिट में जंप देखने को मिली, तो यहाँ पे इसके प्रॉफिट का भी परफॉर्मेंस को अब हम गुड में देखते हैं। लेकिन अगर आगे हम अगर बात करें इंटरेस्ट अर्निंग की कि कितनी इंटरेस्ट अर्निंग यहाँ पे इस बार हुई है, तो दिसंबर 2019 में एचडीएफसी बैंक ने 23,424 करोड़ की इंटरेस्ट अर्न की, वहीं पिछले साल इसकी अर्निंग थी 20,306 करोड़, तो यहाँ परफॉर्मेंस दिए मैंने गुड। आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूँ तो 14,796 करोड़ इस क्वार्टर में आया, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 12,524 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे इसकी भी परफॉर्मेंस मैंने दी है लगभग गुड। कोटक बैंक की अगर बात करूँ तो 5,252 करोड़ रुपए इस बार की अर्निंग थी इसकी इंटरेस्ट की, जो कि पिछले साल थी 4,766 करोड़, तो ये भी एक अच्छी मानी जाएगी इंटरेस्ट अर्निंग में। लेकिन एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो 12,284 करोड़ थी इस बार की क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में थी 10,628 करोड़ रुपए, तो इसको भी मैंने लगभग दिया है गुड। एसबीआई की अगर बात करें तो 48,063 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट अर्निंग इस बार देखने को मिली इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में थी 41,820 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस आ रही है गुड। और इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो 6,082 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट अर्निंग इस साल हुई इस क्वार्टर में देखने को मिली, जो कि लास्ट ईयर थी 4,763 करोड़ रुपए, तो इसको भी मैंने दिया है गुड। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट अर्निंग सभी बैंकों की अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे तो सभी में तरीके से अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है वो है प्रोविजनिंग का। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि एचडीएफसी बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक है अभी देश का, तो वहाँ पे इस क्वार्टर में जो प्रोविजनिंग थी वो थी 3,043 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी पिछले साल के 2,211 करोड़ रुपए, जो कि यहाँ प्रोविजनिंग बढ़ते हुए नज़र आ रही है, इसलिए यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को मैंने दिया है बैड, जहाँ पे थोड़ा दबाव प्रोविजनिंग पे देखने को मिला है, इसलिए प्रोविजनिंग बढ़ती दिखाई दी है। लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे प्रोविजनिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है, इस क्वार्टर में 2,083 करोड़ की प्रोविजनिंग की, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में थी 4,244 करोड़, जो कि प्रोविजनिंग आधी होती हुई लगभग नजर आई है, इसलिए यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को मैंने दिया है गुड। अगर बात करूँ कोटक बैंक की, तो यहाँ पे इसकी प्रोविजनिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है, 444 करोड़ की प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में की, जो कि पिछले साल थी -32 करोड़ रुपीज़, तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस भी मैंने दी है बैड, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर बैंकों में थोड़ी प्रोविजनिंग के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो 3,471 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में देखने को मिली, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में थी 3,054 करोड़, तो यहाँ पे भी प्रोविजनिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पे भी इसका नंबर मैंने दिया है बैड।
अगर बात करूं दिसंबर 2019 में एसबीआई की, तो यहाँ पे प्रोविजनिंग 7253 करोड़ रुपए देखने को मिली है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में थी 6006 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी प्रोविजनिंग आगे भी बढ़ने की संभावना है, जैसा कि कमेंट्री में कहा गया था एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस भी मैंने दी है बैड। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 1043 करोड़ की प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में आई है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में थी 606 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत तेजी से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी प्रोविजनिंग के आंकड़े के बाद, जिसके कारण इसका परफॉर्मेंस भी मैंने दिया है बैड। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ दोस्तों ग्रॉस एनपीए की, तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है उसमें एचडीएफसी बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो है 13,427 करोड़, जो कि परसेंटेज टर्म में 1.42%, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में था 10,903 करोड़ रुपए और 1.38%, तो 0.04% का ग्रॉस एनपीए यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस मैंने दी है एवरेज, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बैंक अच्छा है। थोड़ा बहुत परसेंटेज टर्म में भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक का साइज है इसके परसेंटेज एनपीए जो है वो कंट्रोल में ही गिने जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए आईसीआईसी बैंक की, तो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा जो इस क्वार्टर में आया वो था 43,453 करोड़, परसेंटेज टर्म में बात करें तो 5.95%, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 51,591 करोड़ रुपए, जो कि 7.75% था। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेट ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो लगातार गिरावट की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये अच्छा साइन है, तो इसकी परफॉर्मेंस पे मैंने लिखा है गुड। कोटक बैंक की अगर मैं आपसे बात करूं, तो कोटक बैंक का जो ग्रॉस एनपीए इस बार के क्वार्टर में पेश हुआ वो था 5,413 करोड़ और परसेंटेज टर्म में बात करें तो 2.46%, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में था 4,128 करोड़ रुपए और 2.07% अगर बात करें परसेंटेज टर्म में। तो दोस्तों यहाँ पे भी ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोटक बैंक का बढ़ता हुआ नजर आया है, इसलिए मैंने इसका परफॉर्मेंस दिया है बैड। और रिजल्ट के बाद भी यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पे भी रिकवरी बहुत ही शार्प देखने को मिली थी। बात करें अगर एक्सिस बैंक की, तो 30,073 करोड़ रुपये इस बार का ग्रॉस एनपीए था, और नंबर की बात करें तो 5%, और जो कि पिछले साल दिसंबर 2018 में था 30,854 करोड़, और परसेंटेज टर्म में बात करें तो 5.75%। तो परसेंटेज टर्म में अगर देखें ग्रॉस एनपीए का नंबर, तो ग्रॉस एनपीए कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे मैंने अच्छा लिखा है। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई का ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में निकल के आया है, जो था 1,59,661 करोड़ रुपए, और परसेंटेज टर्म में बात करें तो 6.94% इसका आंकड़ा है, जो कि पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में था 1,87,764 करोड़ रुपए और 8.71% का ग्रॉस एनपीए था। तो दोस्तों यहाँ पे भी ग्रॉस एनपीए में भारी कमी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस एवरेज इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आगे हो सकता है कि एनपीए फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोविजनिंग अभी भी नहीं की गई है, और कुछ कमेंट्री में यहाँ पे बात निकल के आ रही थी कि आगे कुछ एनपीए में फिर से बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसके कारण स्टॉक में अच्छे नतीजे होने के बावजूद भी गिरावट देखने को मिली थी, ये इसका कारण वही सारा चीज था। और अगर अब मैं आगे बात करूँ इंडसइंड बैंक की, तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए है वो सीधा सीधा लगभग डबल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण स्टॉक की जबरदस्त पिटाई हुई थी। दिसंबर 2019 में 4,578 करोड़ का जो एनपीए है आया है 2.18% की अगर बात करें तो परसेंटेज टर्म में, जो कि पिछले साल दिसंबर 2018 में था 1,968 करोड़ और 1.13% था परसेंटेज टर्म में। तो 1.13% से बढ़ के 2.18% एक साल में इसका ग्रॉस एनपी हो गया, तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को मैंने लिखा है बैड। आगे अगर मैं बात करूँ नेट एनपीए की, तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक का नेट एनपीए जो था वो था 0.48% इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल था 0.42%। तो दोस्तों यहाँ पे 0.42 से बढ़ के 0.48% हुआ, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में इसकी मैंने एवरेज या बैड लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एनपीए यहाँ पे नेट एनपीए भी बढ़ता हुआ नजर आया है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें, तो 10,388 करोड़ या 1.49% नेट एनपीए इस क्वार्टर में देखने को मिला, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 16,252 करोड़ या फिर 2.58% टर्म में। तो दोस्तों यहाँ पे नेट एनपीए में गिरावट देखने को मिली है आईसीआईसीआई बैंक की, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस गिनी जाएगी यहाँ पे। लेकिन कोटक बैंक की बात करें, तो दोस्तों कोटक बैंक की एनपीए में भी बढ़त देखने को मिली है, जो कि 1,925 करोड़ थी इस साल में, वो थी पिछले साल के क्वार्टर में 1,397 करोड़, 0.71% से बढ़ के 0.89% होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे भी इसकी हल्की परफॉर्मेंस आप बैड कह सकते हो। लेकिन अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के एनपीए में थोड़ी नज़र मतलब गिरावट देखने को मिल रही है,
12,160 करोड़ रुपए इस बार के क्वार्टर में एनपीए देखने को मिला, नेट एनपीए 2.09%। वहीं अगर बात करें लास्ट ईयर के दिसंबर 2018 की, तो 12,233 करोड़ रुपए इसका नेट एनपीए था और 2.36% इसका आंकड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, तो इसकी परफॉर्मेंस हम अच्छी मान सकते हैं। एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई में भी 3.95% या फिर 80,943 करोड़ के मुकाबले, पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 58,248 करोड़ का नेट एनपीए रहा और 2.65%। तो यहाँ पे इसको मैंने अभी एवरेज ही दिया है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को आगे मिले, इसलिए मैंने एसबीआई के हर एक फ्रंट में नेट एनपीओ, चाहे ग्रॉस एनपीओ या प्रोविजनिंग हो, हर जगह इसका नंबर परफॉर्मेंस में एवरेज दिया है। अभी ना इसको अच्छा बोला है ना बुरा बोला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे आ सकती है, ऐसा मुझे अंदाजा है। उसके बाद अगर बात करूँ इंडसइंड बैंक की, तो दोस्तों यहाँ पे 1.05% नेट एनपीए और 2,173 करोड़ नेट एनपीए देखने को मिला, जो कि लास्ट ईयर 1,029 करोड़ या 0.59% एनपीए था। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बैड नज़र आई है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये सारी की सारी जो बात मैं कह रहा हूँ, ये सारी मेरे पर्सनल है रिकमेंडेशन, ये किसी प्रकार के आप लोगों के लिए वो रिकमेंडेशन नहीं है कि एकदम से जाके आप इसमें तुरंत निवेश करें। आप अपने पूरे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और ख़ासकर बुरे और बैड स्टॉक से दूर रहें, हमेशा फ्रंट लाइन के साथ रहें, इतनी ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लेकिन सारी रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक्स में निवेश करें। उसके बाद अगर मैं आगे आपसे बात करूं ईपीएस की और पी रेशियो की, तो दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का ईपीएस जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले साल के मुकाबले अगर बात करूं दिसंबर 2018 में 10.3 का जो ईपीएस था, वो बढ़ के इस क्वार्टर में 13.5 का हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट में अच्छा खासा जम देखने को मिला, जिसका कारण इसकी ईपीएस भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर करंटली आज तक की मैं अगर पी रेशियो की बात करूँ, तो 26.99 का पी चल रहा है अभी इस बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो 6.41 का ईपीएस इस क्वार्टर में निकल के आया, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 2.49 ओनली। तो दोस्तों यहाँ पे पी रेशियो अभी जो लेटेस्ट अब अपडेट होकर चल रहा है वो है 45.19 पर का। अगर बात करें कोटक बैंक की, तो कोटक बैंक का इस क्वार्टर का ईपीएस निकल के आया है 8.35, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में निकल के आया था 6.77। और इस बार अगर बात करें पी रेशियो की, तो अभी इसका जो करंट पी चल रहा है वो है 51.9 का। एक्सिस बैंक का बात करूं अगर मैं, तो 6.54 का ईपीएस इस क्वार्टर में निकल के आया, जो कि पिछले साल था 6.23 का। तो ईपीएस में यहाँ उतनी कोई ज़्यादा खास बढ़त नहीं हुई है, लेकिन पी रेशियो की बात करें तो 46.67 का पी इस बैंक को मिलता है। अगर एसबीआई की बात करें, तो 6.26 का ईपीएस इस बार निकल के आया, जो कि 4.43 था लास्ट ईयर के क्वार्टर में। और 24 का पी में अगर बात करें, तो इस बैंक को 24 का पी अभी मिल रहा है। और इंडसइंड बैंक की बात करें, तो ईपीएस में तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले, 18.76 इस क्वार्टर में ईपीएस मिला है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में था 16.37 का। और पी रेशियो की बात करें, तो 20.11 की पी अभी इस बैंक को मिल रही है, क्योंकि तो यहाँ पे जो बैंक के एनपीए बढ़ते नजर आए हैं, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ सभी बैंकों के वैल्यूएशन के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक का वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अच्छा नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन का जो पी रेशियो है वो लगभग 30 से नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्सिस, कोटक और आईसीआईसीआई बैंक का जो वैल्यूएशन है वो 45 से ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यूएशन मिलता है बाजार के द्वारा किसी भी स्टॉक्स को, वो फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर के हिसाब से दिया जाता है कि भविष्य में किसी भी स्टॉक में किस तरीके की ग्रोथ आने वाली है और किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, इन सभी बैंकों में एनपीए लगभग कम हो रहे हैं या स्टेबल हैं, और साथ ही साथ एसबीआई और इंडसइंड बैंक जिस तरीके से इनके एनपीए थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इनका पी रेशियो भी थोड़ा कम होता जा रहा है। तो दोस्तों ये थी वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिजल्ट के बाद, सारे कंपैरिजन आपके लिए इन बैंक के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।